નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર આજે આપણે ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર પાંચ ધરતી કિશાનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના એટલે કે બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર પાંચ ધરતી કિશાનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સર્વપ્રથમ આપણે જોઈએ અભ્યાસ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર એકમાં કહ્યું છે કે કાવ્યકો ડીવીડી મોબાઈલ જેસી સાધનો કે માધ્યમ સે સુના ઓર સામૂહિક ગાન કરવાય તે તમારે જાતે કરવાનું છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દઈજે એમાં પહેલો સવાલ આપ ક્યાં ક્યાં કર સકતે ઉત્તર मैं नदी में तैर सकता हूँ मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ मैं साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ त्यार पीछे बीजो सवाल विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है उत्तर रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाले मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि के आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है मोटर बस रेलगाड़ी दुपहिया विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है टेलीफोन मोबाइल ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है त्यार पशी त्रीजों सवाल अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है उत्तर मनुष्य के पास अन्य जीवों की उपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की उपेक्षा महान है त्यार पशी चौथो सवाल काव्य में ઉલ્લિખિત પ્રકૃતિ કે તત્વ બતાઈએ ઓર ઉકે સમાનાર્થી શબ્દ કીજે ધરતીનું સમાનાર્થી થશે ભૂમિ અને પૃથ્વી પર્વતનું થશે પહાડ અને નદીનું થશે સરિતા ત્યાર પછી ચોથું છે માટીનું સમાનાર્થી મિટી અંબરનું આકાશ અગ્નિનું આગ અને પવનનું સમાનાર્થી થશે હવા ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નિમ્નલિખિત શબ્દો કા શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજે ઓર શબ્દકોષ મેં અર્થ ઢૂંઢ કર બતાઈએ अष्टपुष्ट એટલે કે તગડા અથવા તો હટ્ટાકટ્ટા સંવાદ એટલે કે વાતચીત શિઘ્ર એટલે કે જલ્દી જોહર એટલે કે પરાક્રમ અથવા તો યુદ્ધ મે શત્રુ કી વિજય નિશ્ચિત હો જانے પર રાજપૂત સૂર્યો કા અગ્નિ કુંડ મે જલ ભરના ત્યાર પછી પાંચમું અજ્ઞબી એટલે કે അപરિચિત વેદાંત એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા મુકદ્દર એટલે કે ભાગ્ય શાર્ગધી એટલે કે શિષ્ય વૃત્તિ એટલે કે મનોદશા મન કા ઝુકાવ સ્પષ્ટ એટલે કે સાફ સાફ प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए पहली पंक्ति पृथ्वी के लाल तेरा हिम सा भाल तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है उत्तर हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है त्यार पी बीजो सवाल गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है उत्तर है मनुष्य तुझमें महान देव गुरु जैसे बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है त्यारछी आप जुए स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलू मनुष्य क्या क्या कर सकता है उत्तर मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह धरती और आकाश को एक कर सकता है इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है त्यारछी बीजो सवाल मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है उत्तर मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है वह लोगों के विचार बदल सकता है इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है त्रीजू मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है उत्तर मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है त्यारछी प्रश्न नंबर बे उचित जोड़ मिलाइए मेलू मनुष्य की आत्मा में तो जवाब अवश्य स्वयं भगवान है बीजू मनुष्य के नयनों में तो जवाब अवश्य भूचाल है तीजु मनुष्य की भ्रुकुटी में तो जवाब तांडव का ताल है मनुष्य की वाणी में तो जवाब आवश्यक युग का आह्वान है मनुष्य की छाती में तो महाकाल है त्यारपची प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए पहलू मनुष्य चाहे तो काल को जवाब आवश्यक थाम ले त्यार पी बीज मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे त्रीज मनुष्य चाहे तो माटी से जवाब आवश्यक अमृत निचोड़ दे प्रश्न नंबर चार નીચે દી ગયેલ શબ્દો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દીકર વાક્ય શંકરજીને વિષ પીલા પીલાયા થા બીજું છે વરદાન વરદાન નું વિરુદ્ધાર્થી થશે અભિશાપ વાક્ય બનશે દહેજ પ્રથા એક સામાજિક અભિશાપ હૈ ત્યાર પછી છે ત્રીજું ઊંચા તો ઊંચાનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નીચા वाक्य वाक्यवंशर्म से उसका शीर नीचा हो गया चौथों से पाप पाप पापन विरुद्धार्थी थे पुण्य वाक्य बन से विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है पाँचव से जीवन विरुद्धार्थी मृत्यु थे से वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते त्यार पी प्रश्न नंबर पाँच नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए तूफान वरदान नयन शिष्य क्षति आईना ने जंकार तो जो आग शब्द शब्द शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ आईना तो दर्पण क्षति तो हानि झंकार तो पायल वीणा सितार आदि की ध्वनि तूफान यानी कि आंधी हवा पानी का भीषण उत्पत्ति नयन यानी कि नेत्र अथवा तो आंख वरदान यानी कि कृपा शीष यानी कि मस्तक ज्ञान और माथा दोस्तों फरी मिलीशो आप हिंदी विषय एक नवा पाठना अभ्यास ने स्वाध्याय संपूर्ण सॉल्यूशन साथ अपनी आ चेनल पर બધા જ જે પાર્ટ છે તેમના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે મિત્રો આ વિડીયો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો